इस कॉर्नर से जब मैंने देखा ऊपर बिल्डिंग को तो ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रायंगल है। ये देखो मतलब मस्त है हमारा, आई थिंक यूएस का बुर्ज खलीफा है। दिस इज जस्ट अ स्कैम, अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल द टाइम यू थिंक आई डिडंट गेट मनी एंड आई टच द बुर्ज। सो ये है ट्रू टेस्ट ऑफ न्यूयॉर्क, वेलकम टू न्यूयॉर्क। How is it? You want to be a pilot? बचपन में अगर आपको याद हो आप गए रहोगे किसी वाटर पार्क में, स्कूल पिकनिक में वगैरह, एंड जब आप वहां से रिटर्न आते हो रात को जब सोते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप अभी भी वाटर पार्क में ही हो। हम कल 13 घंटे की ड्राइव करके आए हैं कनाडा से यूएसए न्यूयॉर्क में। कल रात को नींद भी हमारी ऐसी ही थी बिल्कुल। हम लोग जब सोने गए हैं हर किसी को यही फील हो रहा था कि यार हम लोग ना ऐसा लग रहा है अभी भी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। द ड्राइव वॉज सीनिक बट द ड्राइव वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड लॉन्ग। What's up guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. And time hua hai 10:20. Good morning from New York. Good morning. Kya bana rahe ho tum? Nashta ready kar rahi hu. Nashta? Yes, our good morning. First morning in New Jersey. Woo! Okay, good morning. अरे वाह, एक बार में बोल दिया। अभी जैसे मैंने बताया टाइम हुआ है 10:30 हुआ है और हम लोग उठ गए थे। कितने बजे उठे? अराउंड 9। नहीं मैं तो जल्दी उठ गया था। तुम? हम सोए हैं क्या? एक्चुअली में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सोए हैं क्या। जब हम ड्राइव करके रिटर्न आए एंड देन उसके बाद पूरा रात भर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ मैं वही बता रहा हूँ। सो कल क्या हुआ एग्जैक्टली? कल जब हम लोग आए खाना वाना हमने बहुत लाइट किया, हमने कहा कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाना है, जो हमने लंच में बनाया था वही बचा हुआ था तो हमने वही खा रहे थे। तीर्थ को हमने खिलाया बनाना एंड उसने बनाना जो उल्टी कर दी है सोने के टाइम पे, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पूरी रात भर वो लड़का सोया ही नहीं है और रात भर रो रहे और वो सिर्फ और सिर्फ आंचल के पास ही रह रहा था। उसको बहुत ज्यादा बुखार आ गया था एंड रात भर वो सो ही नहीं पा रहा था और पूरी रात उस वजह से आंचल भी नहीं सोई है। मेरे को तो मैं तो सो गया था क्योंकि मेरे पास ना वो आने को ही रेडी नहीं था। उसका पूरा बॉडी ना बुखार से तप रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि लास्ट डे पे निकलते टाइम मैंने ये टैलेनॉल खरीद ली थी तो हमने कल खोली टैलेनॉल और रात को उसको दी। अगर नहीं ली होती तो आई थिंक हम लोग बहुत बड़े पंगे में पड़ गए होते, है ना? बहुत था वो तो सच में, गॉड सेव अस कि हम लोग ने उतना दिमाग चला तुम्हारा और हम लोग ने तुम अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी दवाई रख ली थी। वैसे कल जब आ गए थे हम लोग उसके बाद फिर मैं चला गया था शॉपिंग करने के लिए एंड अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे फूड बाजार करके जो हमारे घर के या एयरबीएनबी के बिल्कुल पास में है, वहाँ पे से थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रोसरी का प्राइसेस कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कनाडा। 3-4 चीजें ही खरीदनी है, ब्रेड लेना है, दूध लेना है, अंडे चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, ये है 1 गैलन मिल्क। 1 गैलन इज अबाउट 3.78 लीटर। अबाउट 4 लीटर हम लोगों को कनाडा में मिलता है फॉर 7.6-7.7 डॉलर्स का। यहाँ पे ये 3.7 लीटर मतलब कम है और इसका प्राइसिंग है $5। सो $5 लगभग हो गया अबाउट $7.5। तो $7.5 में जो हमको कनाडा में मिलता है अबाउट 4 लीटर, वो हमको यहाँ पे $7.5 में कैनेडियन डॉलर, $5 में मिलेगा हमको 3.78 लीटर। सो यहाँ पर थोड़ा कम दूध है बट प्राइसिंग के हिसाब से देन अगेन महंगा है। सेकेंड आइटम है एग्स, जम्बो वाइट एग्स, 12 एग्स का कार्टन है, ये $3.69 का है। कनाडा में हमको मिलता है 12 अंडे का आई थिंक अबाउट $4। सो एग्स जो है यूएस में ज़्यादा महंगे हैं कम्पेयर टू कनाडा। थर्ड आइटम है ब्राउन ब्रेड जो हमको कनाडा में मिलती है $3 की, यहाँ पर है $2.99 $2. ऑफकोर्स ब्रेड भी बहुत महंगी है यूएस में। एंड फोर्थ आइटम है बनाना जो यहाँ पर मिल रहे हैं 69 सेंट्स पर पाउंड और जो मुझे वहाँ पर मिलते हैं 69 कैनेडियन सेंट्स पर पाउंड। सो ये भी डेफिनेटली बहुत महंगा है। सो इन चार सामान के मैंने यहाँ पर भरे $15 जो मैं कनाडा में भरता था अराउंड $18-19 टैक्स मिला के। $15 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ कैनेडियन डॉलर में सो वो होंगे अराउंड $22-22। सो मेरे एनालिसिस से मुझे ये लग रहा है कि यूएस में ग्रोसरी ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू कनाडा। एंड आई एम रेडी एंड वी आर रेडी एंड आई नो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कल कि मैं आपको एक रूम टूर दूंगा तो मैं आपको एक क्विक रूम टूर देता हूँ। देखो ये है एंट्रेंस, यहाँ से अंदर आने से ये इतना छोटा सा फॉयर एरिया है एंड यहाँ पर एक लिविंग रूम है, यहाँ पर एक काउच है जो ऑफकोर्स यू नो बेड बन जाता है, यहाँ पर सिटिंग एरिया है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ हाई काउंटर टॉप है, यहाँ पर एक वर्किंग डेस्क दिया हुआ है जहाँ बैठ के मैं मेरी वीडियोज एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पर है किचन, गैस वगैरह सब कुछ है एंड हमने जो भी सामान कल राशन लिया है वो रख दिया है, यहाँ पे फ्रिज, माइक्रोवेव और यहाँ पर है बाथरूम, प्रीटी डिसेंट साइज बाथरूम है सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो ग्रेट। एंड यहाँ पर है एक बेडरूम जहाँ पर है क्वीन बेड
एंड ये है एक स्टोरेज स्पेस जहां हमने रख दिया है अपना लगेज. सो या आई थिंक नथिंग रियली फैंसी, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा जगह है. एंड भाई न्यूयॉर्क में इतनी एक्सपेंसिव है चीज़ें कि यू विल नॉट बिलीव मैंने इस एयरबीएनबी का कितना पे किया है. वैसे कितना पे किया मैं आपको एक लास्ट वीडियो में सारा डिटेल्स बता दूंगा क्या कॉस्टिंग पड़ी है, कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है पूरे न्यूयॉर्क ट्रिप का. अभी हम लोग सिर्फ ध्यान देते हैं निकलने के लिए. मैंने को ये रूम टूर इसीलिए देना था क्योंकि एक मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था, और दूसरा मुझे पर्सनली ना किसी के रूम टूर्स देखने बहुत मजा आता है. जब भी कोई ट्रैवल करता है मुझे रूम टूर्स बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे लगा कि चलो मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए. एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द न्यूयॉर्क सिटी गाइस. हम लोग एक क्विक आउटफिट ऑफ द डे चेक कर लो. आंचल हाउ आर यू लुकिंग? सुपर गुड. एंड दिस इज आवर डैशिंग बॉय तीर्थ, यू लुकिंग सो क्यूट. क्या ग्लेयर्स पहने उसने. एंड ये रही 2204 एंड दैट्स मी. अभी हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 9/11 मेमोरियल म्यूजियम, फिर उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, चार्जिंग बुल. तो प्लान था पहले, चलो बैठो बैठो, प्लान था पहले हम लोगों का बैठने का. Oh yeah, you are excited to go to the museum. जब मैंने इसको स्टोरी बताई उस म्यूजियम के बारे में, she's like, मुझे देखना है 9/11 म्यूजियम. सो हमारे पास दो प्लान थे. एक तो था हम लोग पब्लिक ट्रांजिट से जाएं, लेकिन पब्लिक ट्रांजिट हमने चेक किया ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का वेट है, एंड प्लस उसके बाद ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ट्रांजिट में लगेगा हम लोगों को. एंड जब दूसरा हमने ऑप्शन चेक किया कि हम अपने गाड़ी से चले जाएं या उबर चले जाएं, तो वो आधा घंटा लगेगा, बट उबर प्राइसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, अबाउट $50 का चार्ज है. तो मैंने कहा नहीं यार, इट मेक सेंस कि हम अपनी खुद की गाड़ी से जाएं, प्लस बच्चे लोग पीछे बैठे हुए रहेंगे आराम से, उनको ईजी होएगा, एंड देन उनका सोना है या कुछ खाना पीना है तो सब सामान पड़ा रहेगा गाड़ी में. तो वी चोज कि हम गाड़ी से चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. लेट्स क्विकली reach New York and I will show you guys around. ये भरी है हमने अपने लाइफ की सबसे महंगी टिकट, आज तक की लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव पार्किंग टिकट हमने भरी है आज. $33.79 टैक्स वैक्स मिला के $40 which is about 50-55 Canadian dollar. I don't think मैंने इतनी expensive parking कभी भरी है. So ये है true taste of New York. Welcome to New York. भाई यहाँ पे मेरे friends ने मेरे को बताया था कि जब भी आओगे पब्लिक ट्रांजिट से आना. सुबह हमने गलती कर दी पब्लिक ट्रांजिट से ना आके, और यहाँ पर हमने भरे हैं ऑलमोस्ट इतने $50 सिर्फ पार्किंग के लिए. सो इसको पूरा वसूल करेंगे, पूरी अच्छी तरह से घूमेंगे, जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. अभी हम लोग एग्जैक्टली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 3 या 4 मिनट वॉक पे हैं. आई थिंक इस वजह से भी प्राइसिंग बहुत एक्सपेंसिव है. सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस. फर्स्ट मैंडेटरी स्टॉप इन न्यूयॉर्क इज द वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. क्या जबरदस्त जगह है. इस बिल्डिंग की हाइट मैं आपको दिखाता हूँ, इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. एंड यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बिल्डिंग की जो टॉप है वो ऐसे ट्राइंगल में है. पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा दिख रहा है एटलीस्ट यहाँ से. बट ऊपर से शायद स्क्वायर होगा या क्या, आई एम नॉट श्योर, बट मैं दिखाता हूँ. देखो आपको, अगर ये देखो, लुक एट दिस बिल्डिंग. ओ भाई साहब कितना, इट्स गोइंग सो हाई. It is beautiful. क्या जबरदस्त है यार ये. How is it, Achal? This is beautiful. I think मेरे को, I am like जितना भी try कर रही हूँ कि ऊपर तक देख ले कितनी tall है मुझे height. I think मुझे Google करना पड़ेगा इसकी height कितनी है जाने के लिए. But like feel है, मतलब I can, I think इसका बहुत relevance इसलिए आ गया है क्योंकि जब से मालूम पड़ा ना वो Twin Tower को, मतलब 9/11 का जो किस्सा हुआ था वो इंसिडेंट की वजह से और वी वांटेड टू हाईलाइट दिस प्लेस. एंड इस कॉर्नर से जब मैंने देखा ऊपर बिल्डिंग को, तो ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रायंगल है. ये देखो ऊपर से इसका अगर आपको शेप दिख रहा होगा, इट्स इन अ ट्रायंगल फॉर्म. हाँ थोड़ा अलग शेप है इसका. हाँ क्योंकि यहाँ से ऐसा है, तो यहाँ से ऐसा लाइक थोड़ा डिफरेंट शेप है. स्ट्रेट तो ऐसा स्क्वायर नहीं है, मतलब फेमस बिल्डिंग है, स्क्वायर ना बनाएंगे, थोड़ा तो करना पड़ेगा फैंसी आर्किटेक्चर, इसलिए लाइक बनाया इतना लंबा चौड़ा. मतलब मस्त है हमारा, आई थिंक यूएस का बुर्ज खलीफा है. एंड चेक आउट द वाइब ऑफ दिस प्लेस. यहाँ की वाइब देखो, आज का वेदर इतना ब्यूटीफुल है. हद गर्म है यार, हद गर्म. नहीं नहीं अच्छा गर्म है यार, मतलब आई एम हैप्पी विद इट. अच्छा लग रहा है ऐसा. आज का वेदर कितना 28 डिग्रीज है, सो बहुत ही परफेक्ट डे है निकलने के लिए. यार इतना अच्छा व्यू है, ये देखो इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पर ना 9/11 मेमोरियल म्यूजियम है, हम उसकी लाइन में खड़े हैं टिकट्स खरीदने के लिए, और पूरा टाइम ना आंचल और मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं आंचल? यही कि यहाँ पे कैसे हुआ होगा, लाइक लोग जब चल रहे थे नीचे ऊपर से वो फ्लाइट दिखी होगी, वो कैसे आके हिट की होगी. लाइक आई कांट इवन, मैं ऊपर ही देख रही हूँ कि लाइक इफ आई
आई डोंट नो लाइक इट्स अगर वो मैंने कुछ देखा होता आई वुड नेवर बी एबल टू अनसी दैट यार मतलब इतना लाइक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ होगा फॉर एवरीबडी इन द बिल्डिंग एंड एवरीबडी अराउंड यार मतलब मेरे को मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ सीरियसली मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं वैसे उस दिन पे भी लोग नीचे चल रहे होंगे और वो देख रहे होंगे ऊपर कि यार प्लेन आ रहा है एंड आके ठोक रहा है लाइक बहुत ही ट्रैजिक एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों का ना मोस्ट डेविस्टेटिंग एक्सपीरियंस नहीं डाउन दे डिड नॉट डाई हाँ अगर कोई बिल्डिंग अगर गिरी होगी उनके ऊपर गिरी होगी तो दे माइट हैव डाइड या इंजर तो हुए ही रहेंगे अच्छा सिर्फ कोलैप्स हुई थी ओके कुड बी खैर अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं हाँ फायर भी करेक्ट करेक्ट सो अभी हम लोग अंदर जाएंगे ये मेमोरियल जो है देख रहे हो म्यूजियम वहाँ अंदर जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा क्या क्या है सारा सब कुछ अंदर लेट्स सी देखने मिलेगा हाँ 9/11 मेमोरियल के लाइन में खड़े खड़े टू एक और मेमोरियल चीज हो गई टूटू का दांत टूट गया कांग्रेचुलेशन और ये थैंक यू तो अभी हम आ गए हैं 9/11 म्यूजियम के अंदर इसका एंट्री टिकट हमने भरा अराउंड $33 पर पर्सन पर अडल्ट का और अगर आपका बच्चा 6 साल के नीचे है 7 के नीचे है सॉरी 7 टू 12 का कुछ $21 है एंड देन उसके नीचे फ्री है और ये टोटल 4 लेवल का है मतलब अभी हम लोग C1 लेवल पे आए हुए हैं यहाँ से -4 लेवल और है सो ये देखो टूटू ये जो व्यू आप देख रहे हो सुबह 8:30 AM को ये व्यू था बिफोर द अटैक लोअर मैनहट्टन व्यू फ्रॉम ब्रुकलिन सब कुछ ठीक था मतलब थोड़ी देर बाद ही पता नहीं क्या हो गया जैसे जैसे धीरे धीरे टूर लेंगे तो सारे फोटोज के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि उस दिन पे क्या हुआ था चलो चलते हैं आगे तो 4 प्लेन हाईजैक हुए थे उसमें से 2 प्लेन को इन लोग ने ये ट्विन टावर को ये किया ठोक दिया हाँ एक ने आर्लिंगटन वर्जीनिया में एक पेंटागन है वहाँ पे हिट किया और जो 4th प्लेन था उसमें जो पैसेंजर्स थे उन लोग ने स्ट्रॉन्गली डिसाइडेड फाइटिंग तो उन लोग कॉकपिट में अटैक करने लगे जो टेररिस्ट जो थे उनको बट देखो उनका टारगेट था कहीं पे जो कैपिटल नेशन की कैपिटल वाशिंगटन में जाके ये करने का उनके व्हाइट हाउस को मारने का प्लान था बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए बिकॉज ऑफ दैट एंड देन दे वेंट एंड दे क्रैश समवेयर इन सोम सॉमरसेट काउंटी पेंसिल्वेनिया में वो भी क्रैश हो गया जो है सेक्शन ऑफ स्टील जहां पर प्लेन ने इंपैक्ट किया था बिल्डिंग के अंदर वो यहां पर रखा हुआ है ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो बेसिकली एंड हम लोग जस्ट बाहर आए हैं मेमोरियल से आई थिंक दिस इज ये इसके लिए ये लेके आए देखो 9/11 मेमोरियल का रिस्ट बैंड है आई थिंक आई हैव नो वर्ड यार मैं ऑलमोस्ट रो दी लेकिन टू लाइक लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स एंड सी द वीडियो सम विजुअल्स इतना हार्ट ब्रेकिंग था ये चीजें देख के लाइक हाउ कैसे लोगों का दिल इतना गंदा है कि आप ऐसे गंदी हरकतें करते हो किसी की लाइफ लेते हो किसी का आई मीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए बट It's a must. सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि इसके लिए आपको कम से कम 2.5-3 घंटे निकाल के आना है अगर आपको पूरा देखना है तो हमने भी देखा बहुत पार्ट्स में देखा हम बाद में एंड में तो बहुत फास्ट में देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया है बट बहुत अच्छा है और अंदर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एवरी लिटिल डिटेल दिया है उन्होंने उस दिन के बारे में कुछ कैसे पूरा प्लान बना है कुछ नॉट जस्ट प्लान कई कई की तो वीडियो रिकॉर्ड सॉरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं इवन हाईजैकर्स जितने जो प्लेन के थे उनकी आवाज भी है कई कई तो लोग अपने घर पे कॉल करके वॉइस मेल छोड़ रहे हैं वो है करेक्ट तो मतलब पूरा उस जो पूरा इंसिडेंट है उसको उन्होंने अंदर से एकदम डिटेल में दिखाया है आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट कि सबको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ एंड उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें भी रखी हुई है उस दिन की जैसे फायर ट्रक था हमने फायर ट्रक रखी हुई देखी उस दिन जो जली हुई है टूटी हुई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो लिफ्ट चलती है उसका जो मोटर था वो रखा हुआ है जो एंटीना था उस बिल्डिंग के टॉप का तो आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट $33 पर पर्सन आई थिंक बहुत बढ़िया है हाँ लेकिन ये है कि थोड़ा सा मूड जो है आपका
बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेसिंग टाइप हो जाएगा आई वुड से, बिकॉज आप ये सब जब देखते हो तो आप बहुत क्वेश्चन करने लगते हो ह्यूमैनिटी के बारे में एंड यू नो लोग कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें। मतलब यही ये टावर की बात कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री देख के आए, ये जो सामने है कर, ये रहा है सीरियसली तो स्ट्रॉन्ग खड़ा है। लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू अपलॉड की पीपल की जो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम वापस से ओवरकम करते हैं, वी फाइट फॉर द थिंग एंड वी गेट बैक स्टैंडिंग ऑन आवर फीट, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इवन लाइक अपने इंडिया में 26/11 जो हुआ है करेक्ट, बहुत डेवास्टेटिंग था वो सब चीज़ें। बहुत पता नहीं मुझे अगेन यही क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि लोगों का दिल ऐसे कैसे कर सकता है सीरियसली। सो या आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट नो डाउट। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कुछ खाने जाने का एंड देन उसके बाद हम जाएंगे वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट द बुल चार्जिंग बुल जो है वो देखने के लिए। सो लेट्स सी यहाँ आसपास देखते हैं खाने के लिए क्या मिलेगा। या इसको भी बहुत सीखने मिला आई एग्री। यहाँ ना हम लोग खाना खाने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ कि यहाँ पे खाना खाने के लिए क्या होगा आसपास। मुझे लगता है यही अगर इंडिया होता ना इसके आसपास कितनी सारे फूड वेंडर्स फूड स्टॉल होते थे, चाय पानी पूरी भेलपूरी ये वो सब कुछ लगाया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट है तो अपने इंडिया में तो आसपास कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। आई थिंक लंबा वॉक करके जाना पड़ेगा बाहर और वहाँ कुछ शायद अगर मिल जाए खाने के लिए। एंड मेमोरियल से निकल के कुछ दूर चल के हम लोग आ गए हैं द काटी रोल कंपनी है ना। हाँ, सो इसका रोल ट्राई करने के लिए मैंने ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े, मेरे को ठीक लगे, बट अब ट्राई करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर कैसा होगा, इसलिए हमने एक लिया है, पहले ये खा के देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो दूसरा लेंगे, वरना फिर कहीं और से कुछ खाएंगे। I think it's okay. Not good. It's okay. Strictly okay. Not great. Okay. It just deteriorating. I know. Okay. तो वहाँ का रोल तो मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं आ गया फिर स्टिकीज में यहाँ का रोल ट्राई करने के लिए। So much better उससे कंपैरेटिवली, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला। तुम क्या फ्रेंड? एक्चुअली ओमकार को पसंद आता है जहाँ पे थोड़ा ना सॉसेस हो, ऐसे लाइक सैलेड हो वैसा, और उसमें प्लेन चिकन था और आई थिंक और अनियन और थोड़ा सा लेमन वगैरह था, तो आई लाइक दैट काइंड ऑफ फ्लेवर। बट इसको पसंद आता है ऐसा तो सॉसेस हो तो थोड़ा सॉसेस हो तो टेस्ट आता है, वो बहुत ही ड्राई ड्राई था, मुझे नहीं पसंद आया। दिस इज नाइस। अब चाहे आप हर्षद मेहता के फ़ैन हो या आप लियोनार्डो डिकैप्रियो के फ़ैन हो फ्रॉम द मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ये वाली साइन तो आप डेफिनेटली पहचानोगे। और ये लाइन देखो यहाँ पे, इतनी बड़ी लाइन है एंड दिस इज़ द लाइन फॉर द बुल, द चार्जिंग बुल, जो यहाँ का बहुत ही फेमस स्पॉट है। अभी हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं एंड यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अभी यहाँ लाइन में खड़े रहेंगे, फ़ोटो वगैरह निकालेंगे। एंड मार्केट यार देखो, फंडा तो वही है ना अपना, क्या बोलते हैं जो वो मूवी में डायलॉग है हर्षद मेहता का कि रिस्क है तो इसके डार्लिंग, तो बस अपना यहाँ पे रिस्क लेंगे थोड़ा लंबी लाइन में खड़े रहने का। रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अंधेरा होता जा रहा है, टाइम हुआ है अभी आई थिंक 6:30, यूजुअली इतना जल्दी अंधेरा होता नहीं है लेकिन आज थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है मेरे को, तो लंबी लग रहा है। हाँ तो हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग लंबी लंबी है, ओ हो तो क्योंकि बिल्डिंग इतनी लंबी लंबी है तो सन लाइट आ नहीं रही है, तो मुझे रिस्क ये लग रहा है कि शायद फोटो अच्छी नहीं आएगी, लेकिन अपन रिस्क लेंगे क्योंकि रिस्क है तो इसके डार्लिंग। बहुत लंबी लाइन है देखो, कोई हिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। आई थिंक हम लोग अभी कितना 10 मिनट हुआ है वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक लाइन कुछ खास मूव हो रही है। एंड जस्ट फोटो निकाल के हम लोग निकले यहाँ से एंड आई थिंक इतना बड़ा हाइप है ना इस चीज़ का कि पूछो मत। एंड यहाँ पर जब तीर्थ की फ़ोटो निकाल रहे थे सोलो, आए हाय सारे लोग जो क्लैप कर रहे थे क्योंकि तीर्थ इतने सारे पोजेस दे रहा था अच्छे अच्छे, ओ माय गॉड, उसके बहुत अच्छे फोटोज आए हैं। आई थिंक मैं उसको इंस्टाग्राम पे डालूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। हाँ इसके फोटोज भी डालूंगा सबके, हमने सोलो फोटोज भी निकाले एंड बाद में फैमिली फोटो भी निकाले, तो सारे फोटोज मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, डेफिनेटली चेकआउट करना। आई थिंक इस जगह की वाइब है और फोटोज के लिए अच्छा है, बाकी कुछ ऐसे स्पेसिफिक करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। और मैंने सुना है कि सिर्फ आगे ही नहीं लोग पीछे खड़े रह के भी इसको बुल को टच करते, और पता है कहाँ टच करते, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये जो आप समझ रहे हो वही समझ रहे हो सही, उसको मानते हैं ऐसा, उसको अगर टच करेंगे ना तो काफ़ी गुड लक आता है एंड हर्षद मेहता का आपको नसीब मिलेगा आई गेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्कैम करने में, लेकिन हाँ पैसा वैसा अच्छा आता है।
तो अभी हम लोग लाइन में खड़े रहेंगे इसके लिए। ये लाइन देखो, इतनी लंबी लाइन है सिर्फ ये इसके पीछे अहम अहम को टच करने के लिए। यू वांट टच? नहीं, लाइन में खड़े रहेंगे यार, पैसा मिलेगा पैसा। अरे अच्छा खासा पैसा मिलता है, तुमको पता नहीं है क्या? ऐसे मानते हैं कि उसको टच करेंगे ना तो गुड लक मिलता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, सब लोग कर रहे हैं इसको टच। सो ये बहुत ही कॉमन बिलीफ मानते हैं यहाँ पे। तो लाइन में खड़े रहेंगे, इसको छुएंगे, थोड़ा महसूस करेंगे उसकी चीज़ को। एंड फाइनली मैंने कन्विंस करा दिया है आंचल को और टूटू को भी यहाँ पे लाइन में खड़े रहने के लिए। लाइन में नहीं है पर इसको छूना है तो हमें जाना ही पड़ेगा। एक बात मैंने देखी, आगे जो लोगों की लाइन थी वो कम थी, यहाँ ज्यादा लाइन लगी हुई है। हाँ भाई, तो सबको पैसा चाहिए ना, सबको जिंदगी में माल है तो ताल है भाई। और आंचल गई है अंदर, आंचल जाओ जाओ भाई। आंचल ऐसे नहीं, रब करो रब करो, रब करना पड़ता है ऐसे नहीं। एंड अभी हम जा रहे हैं, देखो नीचे। ओ भाई, अच्छा नसीब चाहिए, अच्छा नसीब अपने को, ठीक है। एंड इट्स टाइम फॉर फैमिली फोटो, फैमिली के साथ पूरी फोटो। कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा था? उसको ऐसे ऐसे रब करोगे ना तो गुड लक आता है। तो मैं आई कॉन्टेंट, मेरे को मिल गया भाई गुड लक। अभी देखो इस वीडियो को जाएंगे कम से कम 10,000 व्यूज। एग्जैक्टली बुल के ऑपोजिट में ही यहाँ पर ये एक फ्रिज मैग्नेट वाला है, फ्रिज मैग्नेट्स एंड सोवीनियर्स है, तो हमको ये मिल गया तो हम यहाँ से ले रहे हैं। हाँ देखो ये अच्छा है, न्यूयॉर्क, ये देखो। हाँ न्यूयॉर्क बुल, ये बहुत अच्छा है। आई लाइक दिस वन। सो हमने टोटल 7 मैग्नेट लिए वैसे। सॉरी, कैन आई से हेलो? यस, से हेलो। होला, हेलो, हेलो, वेलकम टू न्यूयॉर्क। आई एम फ्रॉम मेक्सिको। होला, होला। तो हमने यहाँ से मैग्नेट्स खरीद लिए, वैसे इसके प्राइस थे $10 के 3 दे रहे थे, लेकिन ये जो बंदी है इसको हमने बोला कि यार 10 के 4 दे दो, तो उसने हाँ बोला। फिर 20 का 8 देने के लिए भी रेडी थी, लेकिन ऑफकोर्स उसे कैश देना था और मेरे पास कैश कुछ भी नहीं है। मैंने कार्ड उसको बोला तो उसने बोला ठीक है कार्ड से फिर मैं $20 के 7 दूंगी। तो मैंने $20 के 7 खरीद लिए एंड उस पर टैक्स भी लगा मेरे को, लेकिन कार्ड दिया तो। सो आई थिंक अबाउट $21.78, $22 लगे $22। बट ग्रेट प्लेस, काफ़ी रिकमेंड करूंगा मैं अगर आप आओगे यहाँ से खरीदने के लिए। तो सब चल चल के इतना थक गए हैं लिटरली, हम लोग कितना है ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर तो वॉक कर ही लिया है आराम से। हर चीज़ जो घूमने जा रहे हैं वो सब चल चल के डिस्टेंस पे ही है, बार बार गाड़ी तो निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, इसके लिए एक टॉय खरीदना है, वो उसके लिए जाएंगे। वैसे तीर जो है उसकी तबीयत अभी भी अच्छी नहीं है, मतलब वो किसी तरह से तो डील कर रहा है। जब हम लोग म्यूजियम गए थे वहाँ पर तो वो पूरा टाइम सो रहा था अंदर, काफी देर सो गया था क्योंकि हम उसको घर से जब निकले थे तब दवा देके निकले थे। अब वो उठा तो वो बोल रहे हैं पराठा 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 कहाँ से लाए, और आसपास हमको कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा था। तो फिर हमने सोचा कि यार इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती है, तो हम आ गए मैकडॉनल्ड्स और हमने खरीद लिया इसके लिए फ्रेंच फ्राइज। बस गिनती के 2 फ्राइज खाया इसने एंड बंद कर रहे। बबल मतलब पानी चाहिए, ठीक है। यू डोंट वांट टू ईट दिस, व्हाई, यू नॉट हंग्री? वो होता है ना, उसकी तबीयत खराब है तो उसको टेस्ट बड्स बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं, क्योंकि सुबह से उसने क्या आई थिंक एक बोतल दूध भी नहीं पिया ना अच्छे से, थोड़ा सा दूध पिया है, बाकी कुछ भी नहीं खाया, पूरा दिन भूखा है। एंड ये देखो हम आ गए घर, माँ का प्यार देखो। उसको मन नहीं किया वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो आंचल ने बोला कि घूमना फिरना सब सेकेंडरी, पहले घर चलते हैं, मतलब एयरबीएनबी वापस आते हैं, इसके लिए ओट्स बनाते हैं और ओट्स खिलाते हैं इसको ताकि इसको अच्छा लगे। सो हम लोग आ गए एंड इसको ओट्स देखो ये खा रहा है अभी अपने मन से, खुद खा रहा है, वो तो एवरीथिंग खुद खा रही है, हमारा सलमान बॉय है ना। चलो सो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। क्यों? क्योंकि कल बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट आने वाला है फिर से। कल हम लोग जाने वाले हैं ग्रैंड सेंट्रल, कल हम लोग जाने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और कल हम लोग जाने वाले हैं टाइम्स स्क्वायर। सो ये सारा आपको देखना हो अगर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड आज बहुत चले हैं हम लोग, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अब नहीं बोलेगा स्टे सेफ, स्टे फेस। उसने खास मुझसे फिर से कैमरा चालू करवाया, बोला मुझे बोलना है स्टे फेस, स्टे फेस। ओके, बाय बाय।